हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए एंड वी डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। तो आज एक्सपायरी था, काफी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिला, बट मैंने आप क्लियरली बोला था कि मेरा व्यू थोड़ा बेरिश है और 10,150 10,200 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। आज गैप डाउन में हमारा टारगेट अचीव हो गया 10,150 10,200 का। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। कल फर्स्ट ऑफ द जुलाई सीरीज है, जुलाई सीरीज स्टार्ट होगा तो मुझे लगता है ट्रेंडेड मूव अभी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली है लास्ट वन वीक में। सो डेफिनेटली इतना वॉलेटिलिटी के बाद एक ट्रेंडेड मूव हमेशा हमें देखने को मिलता है। कल से आपको एक ट्रेंडेड अप मूव या ट्रेंडेड डाउन मूव हमें देखने को मिल सकता है। सो थोड़ा सा आपको ट्रेंड के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब डिस्कस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी आप देख सकते हो व्यू अभी भी बेरिश ही है। एक फॉल, एक बड़ा कैंडल है, एक हॉल्ट कैंडल है, और अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। 9,400 9,500 तक के लेवल्स भी पॉसिबल है। अगर 10,000 का लेवल टूटता है, और जो कि ट्रेंड लाइन के आसपास का सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो 9,400 500 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी व्यू थोड़ा बेरिश ही है। एक बहुत बड़ा बिग रेड कैंडल हमें देखने को मिला, एक हॉल्ट कैंडल है, अब मुझे लगता है वापस एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है। और अगर इसमें भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो 19,000 18,500 तक के लेवल्स भी वापस हमें देखने को मिल सकते हैं। सो थोड़ा सा व्यू अभी कॉशियस है एंड थोड़ा सा न्यूट्रल टू बेरिश व्यू है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैकडोवल सेल दिया था 604 के नीचे। ये 604 ट्रिगर हुआ ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास, उसके बाद 597 तक जाके आया। इसमें इंट्राडे में इसमें 500 रुपये का प्रॉफिट मिला। जस्ट मैंने आपको सेल दिया था 377 में और ये 372 तक जाके आया, तो आपको एक पार्ट प्रॉफिट बुकिंग इसमें मिला होगा। एंड हैवेल्स मैंने आपको बाय दिया था 590 के अबव, 590 इसने क्रॉस ही नहीं किया, तो हैवेल्स में ट्रेड कोई ट्रिगर नहीं हुआ है। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला स्टॉक होगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का सेटअप मुझे काफी नेगेटिव लग रहा है। अगर आप देखो एक बहुत बड़ा कैंडल था, एक हॉल्ट कैंडल है, और मुझे लगता है अगर यहाँ से फॉल कंटिन्यू होता है तो 400 390 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एक्सिस बैंक में थोड़ा सेटअप नेगेटिव है और काफ़ी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन के लिए। नेक्स्ट स्टॉक होगा डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी अगर आप देखो बहुत कंसोलिडेशन फेस में चल रहा है। 4000 एक राउंड ऑफ नंबर है, 4000 के नीचे अगर गया तो एक बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। 50 to 100 rupees का फॉल हमें ईजिली देखने को मिल सकता है। सो डॉक्टर रेड्डी काफ़ी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन के लिए। लास्ट स्टॉक होगा एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज 150 के आसपास ही क्लोज हुआ है। अगर 150 सस्टेन करता है तो इसमें 3-4 रुपये का अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। तो आपको इसको मार्केट वॉच में ऐड रखना है। अगर 150 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली एक बाई ट्रेड इसमें बन सकता है। तो ये था एनालिसिस कल के सेशन के लिए। अगर आप व्यू और एनालिसिस अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।